तो ये अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक डांस फ्लोर बनाने जा रहे हैं। तो हमने अपने सारे जो 9 पार्ट हैं उन सब पर कलर कर दिया है। नॉर्मली हमें जो फ्रंट साइड होती है वो ब्लैक कलर ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा दिखता है। तो अभी हम वेल्ड करके इसके नीचे एक फ्रेम लगवा देंगे। तो पहले हम फ्रेम बनवा लेते हैं, वो हम लोहे की बनवाएंगे क्योंकि थोड़ी मजबूत रहती है। तो ये हमने फ्रेम कुछ इस तरीके की बनाई है, इसमें फुल सपोर्ट दिया है नीचे की तरफ, ताकि जब कोई इस पर डांस करे तो ये हमारी प्लाई वगैरह डैमेज ना हो। और ये बाकी सारी फ्रेमें भी हमने तैयार करके रखी हैं, कुछ बाकी हैं जो कि अभी काम चल रहा है इनका। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, हमें 2 दिन लगे इस फ्रेम को तैयार करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, 9 फ्रेमें थी, और एकदम ध्यान से बनानी है। ये हमारे पार्ट हैं जो इस फ्रेम पर लगेंगे, ये बाकी के पार्ट यहाँ पड़े हैं, तो ये सब हम फ्रेम पर लगा देंगे। ये हमारे फ्रेमों की घिसाई हो रही है, सारी लगभग तैयार हो चुकी हैं। हमारे बिजू भाई हैं, इन्होंने ही फ्रेमें तैयार की हैं और यही सब तैयार कर रहे हैं। ये सब घिसाई हो चुकी हैं। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने अपनी फ्रेम को इस पार्ट पर कस दिया है और इस पर कलर भी कर दिया है। लोहे के पार्ट पर हमने पहले रेड ऑक्साइड किया है और उस पर हमने ब्लैक कलर किया है, और अभी इसमें पिक्सेल LED लगेगी जो कि हम बारी बारी से सब में लगा देंगे। और ये भाई हमारे इसमें पिक्सेल सेट कर रहे हैं, ये कंटिन्यू इस तरह हम इसमें लगा रहे हैं S टाइप में। इसमें हमारे लगभग 3 बंडल लगे हैं पर पार्ट में, और इनमें भी लगानी बाकी है। ये पूरी तरह लगने के बाद कुछ हमारे इस तरीके का लगेगा, और इसमें अभी कनेक्शन करना बाकी है। ये आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा आप देख पा रहे हैं। ये इन सब में पिक्सेल लगेगी, और ये हमारे पिक्सेल पड़ी हैं, और ये इसमें हम जो XLR कनेक्टर लगाएंगे वो वाले। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने सब में पिक्सेल सेट कर दी हैं और ये XLR मेल फीमेल कनेक्टर लगाए हैं। इसके दोनों तरफ कनेक्टर लगेंगे जिससे इसमें पार्ट को आगे से आगे जोड़ा जा सके, और जो लास्ट वाले 3 पार्ट बचेंगे उनमें हम एक ही तरफ लगाएंगे। और इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वायर है वो हमने डेटा का दिया है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के हैं, और ये सप्लाई के जहाँ जहाँ हमारे नई LED बंडल शुरू हो रहा है वहाँ पर हम दे रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जिससे हमारे LED सही तरीके से ग्लो नहीं हो पाती। इस तरीके से अलग अलग देने से हमारे LED सही तरीके से ग्लो होती हैं। सभी पार्ट हमने इसी तरीके से बनाए हैं, और ये हमारे पिक्सेल बाहर भी सही तरीके से आई हुई हैं जिससे जब इस पर पैर पड़ेगा तो ये अंदर की तरफ ना जाए। और इस तरीके की हमने इस पर एक पॉलीकार्बोनेट सीट लगा दी है, और 4 स्क्रू लगाकर इसे एक बार कस दिया है, और इसके कॉर्नर पर ये जो एल्यूमिनियम की पट्टी देख पा रहे हैं आप, ये हम लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके की है L शेप की।
ये हमारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो आप ग्लास की तरह देख पा रहे हैं, ये इस पर पॉलीकार्बोनेट सीट है जो कि अनब्रेकेबल होती है, और ये सारे पार्ट्स हमने तैयार कर लिए हैं। और अभी हम इन सब को एक साथ लगा करके टेस्ट करेंगे। इसके पीछे की तरफ जो खुला पड़ा है उस पर भी हम एक 6 mm की प्लाई लगा देंगे। ये हमने सारे के सारे जमा दिए, अभी इनके कनेक्टर लगाना बाकी है। ये कनेक्टर मेल फीमेल जो हमने XLR लगाए थे वो हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, और इन्हें आपस में लगाने पर ये एक दूसरे के पाइप में चले जाते हैं। इस फ्लोर को चलाने के लिए हम T8000 कंट्रोलर यूज़ करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे T8000 जिसमें हमें 8 पोर्ट मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारे LED ग्लो कर रही हैं। ये जो पैटर्न चल रहे हैं वो हम इसी कंट्रोलर से चला रहे हैं। अभी इसके कार्ड में प्रोग्राम नहीं है, इस कंट्रोलर के साथ हमें ये प्रोग्राम मिलते हैं कुछ जो अभी इस पर प्ले हो रहे हैं। हम इस पर कोई भी शेप चला सकते हैं, कोई भी फोटो वगैरह, कुछ भी डिज़ाइन वगैरह जो कि हम पिक्सेल में बना करके कंट्रोलर में कार्ड में इंस्टॉल करके इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो वो कार्ड के प्रोग्राम चलने लगते हैं इसमें। तो अभी ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ये दिन का है, अभी रात में भी इसे चलाकर टेस्ट करेंगे इसका इफेक्ट कैसा है। ये फर्स्ट टाइम चला रहे हैं हम बनने के बाद। ये कंट्रोलर पर हमें ऑप्शन मिलता है स्पीड कम ज़्यादा करने का, साथ ही साथ सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमें इसमें जो पिक्सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग IC की होती हैं, तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कार्ड लगाने से पहले हमेशा पावर को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कार्ड लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमेशा पावर ऑफ करके कार्ड लगाएं और फिर पावर ऑन करें। ये हमारे LED ब्लिंक कर रही हैं, बता रही हैं कार्ड में एरर है, मतलब प्रोग्राम नहीं है अभी तक। तो इसमें जो चल रहे हैं वो हमारे इस कंट्रोलर के ही प्रोग्राम है। ये नाइट का व्यू आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।